सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम लोग आए कोंडाना केव्स, करजत स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर है, आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। तो आज हमारे साथ कौन कौन है? आज हमारे साथ है सागर, सागर भाई, संदीप भाई और आशय ब्रो। तो हम लोग सब आए और जिस दिन से, चलो दोस्तों, और जिस दिन से हम लोगों ने कलावंती किया उस दिन से एक अलग ही जोश भरा है यार अंदर। वो कलावंती का जोश तो अभी भी गया नहीं। कलावंती, कलावंती, जय भवानी, जय शिवाजी। तो बस यही जोश है जो कलावंती के बाद से अभी तक तो उतरा नहीं है, और उस जोश ने हम लोगों को और ट्रैक करने पर मजबूर कर दिया है, यानी बस रोका ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम लोग आ जाए कोंडाना केव्स और फुल धमाल मचाएंगे। इतना कुछ बड़ा ट्रैक नहीं है, लोगों ने कहा कि 45 मिनट से एक घंटे का ट्रैक है, काश थोड़ा और होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यही से व्लॉग शुरू करते हैं और देखना लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है ना पूरे व्लॉग के दौरान, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है जगह, ये व्लॉग कैसा लगा। आशय, डू यू वांट टू से एनीथिंग? कुछ भी करने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। I'm just being honest, you haven't earned it, ain't even worth it, you don't deserve it. I'm just being honest, you haven't earned this, ain't even worth it. Mogambo, khush hua. क्या झाडी काय डोंगर सर्व ओके मध्ये काय ते हॉटेल दिस इज हेवन। हाँ, बारिश रहती तो क्या मजा आ जाता ना, बहुत मजा आया यार, बारिश रहती तो और मजा आता। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नाउ दैट वन, यस, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, या नाउ दैट वन, वेरी गुड, this big one, very nice, yes, this small one, very good, this, not that one, this, yes, this, okay, now go there, wow, well done, very nice bachcha। संदीप, तुझे क्या लग रहा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फील हो रहा है? तूने तो बहुत सारे ट्रैक किए हैं यार। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मतलब कि सिटी से काफ़ी नज़दीक ट्रैक है और एकदम एंट्री लेवल का ट्रैक है, यू नो, आप आपके बच्चे या फिर फैमिली को भी लेके आ सकते हो, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग ने एक बच्ची का वीडियो निकाला, कितनी प्यारी बच्ची थी वो। हाँ, तो वो एक बेस्ट है अगर आप फैमिली के साथ में आउटिंग कर रहे हो और छोटा ट्रैक करना है आधे घंटे का, और आधे घंटे में ट्रैक भी हो जाए, किसी को ज़्यादा थकान भी ना हो, जिसका इंटरेस्ट लेवल कम है वो भी ये कर सकता है, तो बेस्ट प्लेस है मुंबई के नज़दीक में। मैं भी मेरे बेटे को लाने वाला था यार, बहुत मेरी इच्छा थी इस बार, लेकिन उसकी तबीयत वेनसडे से ख़राब थी और कल शाम को उसको थोड़ा ठीक लग रहा था, तो इसलिए मैंने लाया नहीं, लेकिन होप सो उसको ले आऊँगा मैं यार। पहले तो ये बता कि यहाँ पर कितने हैं आस पास ट्रैक कोंडाना से जुड़े हुए? राजमाची ट्रैक से जुड़ा हुआ है, रेंज ट्रैक में। ओके। कुछ लोग राजमाची फोर्ड एक्सप्लोर करते हैं, फिर वहाँ से डिसेंड करते हैं कोंडाना में, और कोंडाना से फिर घर जाते हैं। तो जो लोग या फिर कोंडाना से चढ़ते भी कुछ लोग और फिर राजमाची एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके लिए आप एक रिबिन बांधा हुआ है, और यहाँ से दो रास्ते आप देख सकते हैं, दो रास्ता लीड करता है, एक जाता है आपका कोंडाना के उसमें, और एक जाएगा आपका राजमाची जो रेंज ट्रैक है, जो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए ओवर नाइट करना पड़ता है, फिर कैंप करना पड़ता है, तो ऐसे कुछ मार्क्स रहते हैं रास्ते में। फॉरेस्ट में आप कभी भी हो तो ऐसे मार्क्स को आपको देखना चाहिए, या फिर पत्थर के ऊपर पत्थर रखे रहते हैं, या फिर बॉटल ऐसा लगाए रहते हैं, तो ये दर्शाता है कि यहाँ से एक वे जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर द इन्फो बडी। भाई, आप थके हो या फिर एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय मतलब नेचर का कैसा लग रहा है? नेचर पहाड़ों में जाकर लेटने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ अलग ही मजा है ना। आप नेचर में आए हो और ऐसी जगह पे आप लेट रहे हो। मुझे इन सब जगहों पर आने में बहुत ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले के लोगों ने इतने पहाड़ में इतने अंदर घुस घुस कर पहाड़ के ऊपर किले ऐसे केव्स फोर्ट्स कैसे बनाए होंगे, क्या उन लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ होगा, उन लोगों का इच्छा शक्ति विल पावर ये सब कितना स्ट्रांग होगा जो उन्होंने इतने पहाड़ के ऊपर क्या क्या बना दिया। आ गया भाई कोंडाना केव्स, हम कोंडाना केव्स के एंट्रेंस पर पहुंच गए स्टेज पे और बारिश भी शुरू हो गई। क्या बात है, ज़ोर से आना चाहिए बारिश। ये सब जगह देखकर यार मैं तो हैरान में पड़ जाता, हैरानी में कि ये पहाड़ को तोड़कर केव्स बनाया, पहाड़ को तोड़कर यार कैसे पहले के लोग थे एकदम बाहुबली है। हाय आयरिस, अपना है क्या आयरिस? बहुत बड़ा गेम हो गया हम लोगों के साथ, क्या बोलो अभी हम लोगों को अंदर जाने नहीं मिला। वहाँ पर एक पुलिसमैन खड़े जो बोल रहे हैं कलेक्टर साहब का ऑर्डर है अंदर जाना मना है। वहाँ ऊपर तरफ था कोंडाना केव जहाँ पर हमें जाने नहीं दिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, कुछ लोग आए थे उन्होंने बताया भाई कि इस तरफ वाटरफॉल है, तो अभी वो नहीं तो यही सही, इसका ही एंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये आ गया संदीप द ट्रैकर, द रियल ट्रैकर, द रियल माउंटेनर, लेकर हमें झरनों के बीच। संग्राम पाशा को देखो, इसमें छोटे बच्चे का जोश आ गया है। आज पता नहीं क्यों भाई, लेकिन ये जो मेरा शू है नया ये स्लिप हो रहा है। जब कलावंती गए थे तो जो पुराना जूता था पूरा फट गया, पूरा फट गया, इतना खतरनाक ट्रैक था और वो जूता भी खराब था, लेकिन ट्रैक बहुत खतरनाक था। और आज ये जो नया जूता लिया स्लिप हो रहा है, तो मुझे बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। और हमारा एक दोस्त है आशय, उसका तो हेडेक हो रहा है। डालेंगे और फिर जाएंगे ऊपर वाटरफॉल पे। स्टे ट्यून, शुरू हो गया है और सागर क्या लाया बता भाई, क्या लाया? ये मम्मी के हाथ का, इसको बोलते मुंबई साइड में झुनका और मराठी में इसको बेसन बोलते, और ये बाजरे की भाकर लाए। तूने बोला ना पिटला, पिटला, यस यस पिटला। वहाँ साबुदाना अंडा, ये अंडा ब्रेड। लेकिन जो बात ये झुनका भाकर में हो गई एकदम अलग ही टेस्ट। जो पहले के लोग थे वो यही खाते थे, बासी भाकर बेसन तक एकदम तगड़े। अभी हमारा खाना वाना सब हो गया है, तो जो आशय है इसको थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसे हमने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इसका कहना है कि नहीं मैं यही रेस्ट करूंगा। यस पक्का, देख मंजिल के देख कितने करीब है, वो देख उधर है मंजिल, बस कुछ दूर। ठीक है चलेगा, इट्स योर डिसीजन बड़ी। अभी हम लोग जो मेन वाटरफॉल था वहाँ से नीचे उतर गए और नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बहुत बढ़िया वाला, क्या बोलो अभी आप लोग देखो। अभी हम लोग जा रहे थे नीचे, लेकिन जो बाकी रह गई थी कोंडाना केव्स, तो उसका एक छोटा सा क्लिप तो आप लोगों को दिखाना बनता है। जाने दे रहे क्या थोड़ा आगे तक? हाँ जाने देते, जाने देते। हाँ ना, हेलो गाइस,
तो यही रहे भाई आप लोगों के लिए कोनाना केव्स की छोटी सी झलक। एक ही चीज मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बनाया है पहले को लोगों ने यार, क्या बनाया है। आशय की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो हमारे साथ वाटरफॉल पे नहीं आ पाया, लेकिन फाइनली जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे कोंडाना केव्स वो ज़रूर देखने मिला था। आशय क्या क्या बोलना है तेरा? अच्छा लगा भी, मतलब पहली मतलब बार देखा और यही समझ में आया कि जो लास्ट तक वेट करता है उसको मिलता ही है। हाँ करेक्ट, और ये आशय पहली बार हमारे व्लॉग में आया है। सो आशय वेलकम एंड थैंक यू कीप मेकिंग योर व्लॉग सपोर्ट। तो इसी नोट पे ये व्लॉग खत्म करते दोस्तों, आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, लाइफ में चाहे जो भी हो जाए टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। आखिरकार जो हम लोग देखने आए थे कोनाना केव्स वो हम लोगों ने देख लिया और बहुत मज़ा आया। सो बाय बाय।